जे आर क्वालिफाई होने के बाद मुझे लगता है हम लोग जो हर बड़ी में डिसीजन लेते हैं और कहीं पे भी जाके रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं दिस इज वन ऑफ द बैड प्रैक्टिस बिकॉज आई हैव सीन मेनी कमेंट्स जिन लोगों ने जे में टॉप किया सी में फर्स्ट हंड्रेड में रैंक आए बट दे हैव जीरो परसेंट आइडिया हाउ टू फाइनलाइज योर रिसर्च करियर क्या है एस क्या है रिसर्च प्रपोजल हाउ टू गेट सेलेक्टेड ब्लैंक दे जस्ट वॉन्ट कि मेरा जे आर एफ निकल चुका है एन एंड आई विल गो इन एनी यूनिवर्सिटी एंड एनी यूनिवर्सिटी विल टेक मी यार तुमको प्रिवलेज नहीं मिलेगा अगर तुम अच्छी जगह से रिसर्च नहीं करोगे जे आर एफ निकाले हो वेरी गुड नाउ इट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू योर काउंसलिंग सेलेक्ट दीज टाइप्स ऑफ बेस्ट इंस्टीट्यूट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ब्रेन रिसर्च So this is NBRC, National Brain Research Center, right? This is the DBT Institute, Ministry of Science and Technology, and the Bhati Purana Institute hai. And I have seen the profile, I'll show you each and everything. Many scientists means like working on next level. सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि ये कभी भी कोई एग्जाम करा के किसी भी स्टूडेंट को नहीं लेता तो अगर आपके पास प्रिविलेज है आपने जे जी बिल्स का एग्जाम निकाला है जेस्ट का निकाला है गेट निकाला है एक्सटर्नल फेलोशिप चैनल से आ रहे हो तो क्यों नहीं जाओगे आप इतने बेस्ट इंस्टीट्यूशन के अंदर बिकॉज दे हैव ओनली दीज कैंडिडेट्स कैन अप्लाई दिस प्रोग्राम सो so, ये जो प्रोग्राम रन uh, करते हैं दैट इज़ बेसिकली दी एच डी न्यूरो साइंस एंड ऐसे स्टूडेंट्स न्यूरो साइंस वाले बहुत ही कम मिलते हैं और बहुत ही डिमांडिंग होते हैं आई एम टेलिंग यू अगर आप इस तरीके से इंटरेस्टेड हो सो प्लीज़ डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एम एस सी न्यूरो साइंस भी कराता है पी एच डी न्यूरो साइंस राइट अभी मैं आ जाता हूँ इसके मेन प्रोग्राम पे हाउ यू हैव टू अप्लाई अगर आप इंटरेस्टेड हो पी एच डी या एम एस सी के अंदर देखो एम एस सी वाले भी हैं तो मैं बोलूँगा अगर आप एम एस सी भी न्यूरो साइंस से करोगे ना सो आपका स्कोप बहुत ही बेटर हो जाएगा बिकॉज इस टाइप के इंस्टीट्यूशन में जब भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी सो यू विल बी सेलेक्टेड इन यू विल बी प्रिफर्ड बिकॉज आप इतने अच्छी जगह से मास्टर्स और पी एच डी करे रहोगे सो so, अगर आपको अप्लाई करना है तो ऑनलाइन कर दो थर्टी फर्स्ट मार्च एंड सिक्सटीन मे फॉर द पी एच डी देर इज अ लॉट ऑफ टाइम बहुत टाइम है बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोई छोटी सी यूनिवर्सिटी का अप्लीकेशन देखा और उसमें चले गए यू हैव टू डिसाइड वेरी केयरफुली तो ऑनलाइन अप्लाई करो प्रिफर ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन और इसके अंदर कुछ नहीं करना है लास्ट डेट टू रिसीव द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एम बी एस इज़ द फर्स्ट मार्च ठीक है ये तो हो गया लाइक द बेसिक थिंग्स अब मैं आ जाता हूँ मेन चीज़ पे सो so, ये हुई एप्लीकेशन फीस जो आप लोग को देनी पड़ेगी मास्टर्स में फाइव हंड्रेड रुपीज़ देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थाउजेंड थाउजेंड रुपीज लेती हैं बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट राइट सो अब आप आ जाओ फैक्ट्स लाइक दिस वन और कैसे अप्लाई करना है वो मैंने आपको बता ही दिया अब सी दिस इज द लाइक द पी एच डी के मैं बताया आपको जे जी बी का एग्जाम दिया हो गेट का दिया हो जेस्ट का दिया हो सी बी सी एस आई आर यू जी सी कुछ भी दिया हो यू जी सी नेट का दिया हो इनके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा बस अब देखो यहाँ पे ना इतने बढ़िया बढ़िया साइंटिस्ट हैं मैं आपको दिखाता हूँ लाइक दिस इज़ लाइक द प्रोफेसर पंकज सेठ अगर आप इनके अंदर इंटरेस्टेड हो ये काम करते हैं ह्यूमन आई पी सी प्लोरी स्टेम सेल तो इस, इन सब टॉपिक्स बहुत ही कम लोग वर्क करते हैं and if you want to see his profile he's from the usa Postdoc dog inka bahut achhi jagah se hua hai and the best part is that see position available aapko kuch nahi karna hai if you are like uh, looking for the indigenous researchers to take up the challenge to understand how viruses infect human brain functions तो कैसे वायरस ब्रेन फंक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं देखो ये बहुत बूमिंग टॉपिक है So a PDF or a research associate position. पी डी एफ भी है रिसर्च एसोसिएट भी है तो आप इनको एक लाइक like, मेल लिख दो इस ई मेल आई डी पे लाइक यू हैव एन एक्सपीरियंस यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू वर्क ऑन ह्यूमन आई पी सीज एंड यू हैव सम्रीवियस एक्सपोजर ऑन दिस एंड सर लाइक सब कुछ एक मोटिवेशनल मेल लिख दो कैसे मेल लिखते हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है तो आप इनको अप्रोच करो पॉसिबली यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम लाइक दिस टाइप ऑफ प्रोफेसर अब आप इसमें रिसर्च देखोगे ना तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल रिसर्च होती है यू कैन सी द प्रोफाइल लाइक साइंटिस्ट सेक्स प्रोफेसर न्यूरोल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं वायरल एंड इन्फ्लेमेश ट्रिगर ट्रिगरिंग ऑफ न्यूरोजेनेटिव डिजीज़ कंप्यूटेशनल मॉडल ऑफ ब्रेन देखिए ये ऐसे ऐसे टॉपिक है ना कि आप अगर किसी भी टॉपिक को सेलेक्ट करोगे कहीं से भी करोगे तो यू विल बी सेलेक्टेड बेस्ट कैंसर मेटाबॉलिज्म एंड जीन रेगुलेशन

जॉब ओपनिंग्स जब आएंगी सो डेफिनेटली यू विल बी प्रेफर अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन से आप करेंगे तो देखिए प्रोजेक्ट पोजीशंस निकली हुई हैं अगर प्रोजेक्ट पोजीशंस को देखना है कि किस टाइप की वैकेंसीज को ये लेते हैं तो उनको भी देख लेते हैं इससे कि आप समझ में आए कि आप एलिजिबल हो कि नहीं देखिए फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ तक रिसर्च एसोसिएट के लिए आप एलिजिबल हो और अगर साइंटिस्ट की पोस्ट पे आप जाओगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे सो लेवल ट्वेल्व सेवेंटी एट थाउजेंड लाइक दिस इज़ द जस्ट पी एच डी चाहिए पाँच साल के एक्सपीरियंस चाहिए एंड यू विल बी एब्जॉर्ब फॉर दिस सो दीज आर दिंग्स रिलेटेड टू द एन बी आर सी अप्लाई करो अगर तुम्हारे पास फेलोशिप है या इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन हाथ में है तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बबा टेक केयर